हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गई हूँ एक और नया ड्रामा लेके। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ड्रामे का हीरो फिर लिली के साथ होता है। लिली हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है और उसके बाद उसके नज़दीक जाने की ट्राई कर रहा होता है, तभी उसे रोकती है और उसे बोलती है तुम्हें पता है तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी जो फेंग था वो बोलता है मुझे किसी ने ड्रग दे दिया है, प्लीज़ मेरी मदद करो, डन टोरी मैं अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदारी जरूर लूँगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो उसके साथ वहीं पर नाइट स्पेंड कर लेता है। एंड देन हम देखते हैं जो लिली थी सुबह उठती है और उसके बाद वो घबरा जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो फेंग था वो लिली को बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। तभी लिली थोड़ी घबराई हुई थी, उसे लग रहा था कि कुछ गलत ना समझ ले ये बंदा, क्योंकि लिली यहाँ पर कुछ और काम की वजह से आई थी, ना कि ऐसी कोई लड़की थी। और तभी फेंग बोलता है मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूँगा। ये सुनने के बाद लिली को अच्छा मौका मिला यहाँ से भागने का, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में फेंग उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसके बाद वो बोलता है बॉस आपको गलत रूम में भेजा गया था लेकिन थैंक गॉड आप सही हो। ये सुनने के बाद उसका जो फेंग था वो बोलता है कौन लड़की थी जो मेरी कमरे में आकर मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी उसके बारे में पता लगाओ। और उसके बाद असिस्टेंट बोलता है बस वो तो मैं पता लगा ही लूँगा लेकिन अभी आपको शादी करने के लिए सिविल ब्यूरो ऑफिस आना है। ये सुनने के बाद वो बोलता है चलो चलते हैं क्योंकि ग्रैंडमा की वजह से उसे किसी भी कीमत पर आज एक लड़की से शादी तो करनी थी। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो लिली थी वो पहुंचती है सिविल ब्यूरो ऑफिस में और वहाँ पर उसकी सिस्टर और उसके जो पापा थे दोनों बैठे हुए थे और उसके बाद लिली उनके हाथों से फाइल छीनती है क्योंकि किसी ऐसे ओल्ड मैन के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी गई थी और लिली ने भी ओके बोल दिया हुआ था। और उसके बाद अंदर जाने के बाद पता चला ये तो कोई और नहीं फेंग है, जो देखने के बाद लिली शॉक में वो सोचती है अगर इसने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। उसके माइंड में ये सारे सवाल चल रहे होते हैं तभी जो फेंग था उसे काट देता है और बोलता है मैं अभी 3 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने आंखों का इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ तो तुम आराम से अपना खर्चा उठा सकती हो बोलता है। वो उससे एक अनलिमिटेड कार्ड देता है और उसके बाद एक जॉब ऑफर भी देता है लेकिन लिली जॉब ऑफर के लिए मान नहीं पाती क्योंकि उससे अपने आप के दम पर ही कुछ करना था ना कि अपने हस्बैंड के दम पर। तो वो बोलती है डोंट वरी मैं अपने आप को संभाल लूँगी और उसके बाद वो अपने इलाज के लिए वहाँ से निकल लेता है। और हम देखते हैं अब इस तरह से 3 साल का वक्त चला गया जहाँ पर लिली अपने ऑफिस पे थी लेकिन इसके ऑफिस की हालत इस बार बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी बॉस उसे कॉल करती है और बोलती है तुम्हें किसी भी कीमत पे जेंग ग्रुप में जाना है और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के लिए बॉस को रेडी करना है, वहाँ का जो सीईओ है वो काफ़ी रूड है ऐसा बोला जा रहा था। ये सुनने के बाद लिली बोलती है ओके क्योंकि अब जॉब की जरूरत तो उसे भी थी और कहीं और जॉब करने से अच्छा है इसी कंपनी को बचाने का उसके मन में ख्याल आया था, इसीलिए वो मान जाती है। अब हम देखते हैं फेंग वापस आ गया और इस बार वो देख सकता था। तो जब वो वापस आया वो वर्कहोलिक बना हुआ था, मतलब उसे काम के अलावा किसी और से बिल्कुल मदद बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं जो फेंग था वो ऐसे आगे की तरफ आ रहा था तभी वो लिली से टकराता है, लिली उसकी गोदी में गिर जाती है, फेंग उसे पकड़ता है और उसके बाद लिली शॉक में आती है कि ये बंदा वापस आ गया और इसे बताया भी नहीं गया। तभी फेंग उसे बोलता है ध्यान से और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और लिली को बाद में पता चला ये जेंग ग्रुप का जो सीईओ है कोई और नहीं बल्कि फेंग था। और उसके बाद वो उसका रेज्यूमे देखने लगता है जो प्रोजेक्ट के लिए लिली यहाँ पर आई हुई थी पर जो फेंग था उसे नहीं पहचान पाता। और उसके बाद वो उसे बोल रहा था इससे बेटर डिज़ाइन लाओ और तुम ना मेरे लिए कुछ प्राइवेट डिज़ाइन बनाओ क्योंकि मैं अपने नए घर के लिए चाहता हूँ, ऐसा वो बोल रहा होता है। और उसके बाद जो लिली थी उसे पैसे मिलने की वजह से वो इस बात के लिए मान जाती है। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो फेंग था उसे कॉल आया किसी का, तो उसकी गाड़ी में फ्लावर और एक टेडी बियर रखा गया था क्योंकि वो आज अपनी वाइफ से मिलने जा रहा था और अब तो उसने ऐसे ऑफिशियली तो अपनी वाइफ को देखा नहीं था। तो होता ये है कि जो हमारा बंदा था वो जाता है फ्लावर का बुके और टेडी बियर लेके और उसके बाद वो ऊपर गया और ऊपर होता ऐसा है लिली अभी उसके कमर में मोच आने की वजह से उसकी जो फ्रेंड थी वो उस पर बालिश कर रही थी इसलिए वो बोल रही थी आराम से, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा कि ये बंदी उसे चीट कर रही है, उसे काफ़ी बुरा लगा इसलिए उसका फेस देखे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में वो घर पर जाता है और अपनी दादी माँ को बता देता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए दादी माँ। ये सुनने के बाद दादी माँ बहुत बुरी तरह से उसे डांटने लग जाती है और उसके बाद वो
बोलती है, अगर तुमने रिवर्स के बारे में सोचा तो मेरा मरा हुआ मुँह देखो के जो सुनने के बाद थिंक परेशान, क्योंकि उसे एक डिसलॉयल लड़की तो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए बताएं। और हम देखने हैं अगले वाले सीन में, लिली ऑफिस में थी और तभी उसे एक पार्टी के लिए भेजा गया था और वो पार्टी में जाती है, वो काफ़ी नशे में थी। उस टाइम पर कोई बंदा आके उसे परेशान करने की ट्राई करता है, इसी बात की वजह से लिली वहाँ से भाग के जा रही थी और टकरा जाती है फ्रेंक से। और उसके बाद फ्रेंक देखने के बाद उसे बोलती है, हस्बैंड मेरी मदद करो अभी, और उसके साथ इसे चिपक रही होती है। और फ्रेंक के मन में जो गलतफहमी थी और बढ़ गई, वो ऐसे सोच रहा था ये सच्ची में ऐसा ही है। और उसके बाद उसे गोदी में उठा के अंदर ले जाता है होटल में ताकि वो आराम कर सके, लेकिन ये बंदी पूरी तरह से लगी हुई थी। वो बोलती है रुको ना, और उसे देखती है बोलती है कि तुम कितने प्यारे हो, और इवन उसे बाथ पर लेके नहलाने लगता है, मतलब उसका नशा उतारने के लिए उसे पूरी तरह से भिगाने लगता है। वो बोल रही थी तुम्हारे लिप्स इतने प्यारे हैं अभी, और ये सब कुछ सुन के उसको भिगा ही रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी हरकतों की वजह से। तो सुबह लिली जब अपनी आँखें खोलती है तो उस टाइम पर अपने आप को होटल रूम में देखती है। तो वो पहले सोच रही थी हो क्या रहा है यहाँ पर, उसे ऐसा लगा कि कल कुछ गलत वलत तो नहीं हो गया, लेकिन बाद में वो श्योर हो जाती है कि कल कुछ गलत हुआ नहीं था। अगले सीन में दिखाया जाता है जो लिली थी उसके पास उसकी मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर आई हुई होती है। वो लोग उसे पैसे मांग रहे थे क्योंकि कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब चल रही होती है। लिली पहले तो मना करती है लेकिन बाद में वो लोग उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। इसी बात के वजह से जो चेक उसको फेंक ने दिया हुआ था वही चेक वो उसे थमा देती है। और उसके बाद हम देखते हैं लिली को कॉल आया फेंक का, वो बोला था दादी माँ चाहती है हम दोनों एक बार मिले इसलिए शाम को डिनर के लिए आ जाना। ये सुनने के बाद लिली तो परेशान क्योंकि और मुझे अपने हस्बैंड से फॉर्मली मिलना था। एंड देन हम देखते हैं रात वाला सीन जहाँ पर दादी माँ के कहने पर बेसिकली दादी माँ जबरदस्ती कर रही थी और इसी बात की वजह से दादी माँ का दिल रखने के लिए जो फ्रेंड था वो ऐसे रेडी होकर लिली से मिलने के लिए रेडी हो रहा था। और लिली भी वो काफ़ी घबराई हुई जाती है अंदर की तरफ, वो डोरबेल बजाती है। और उसके बाद लिली ऐसे अंदर जाने ही वाली थी तभी किसी का कॉल आया, लिली को बताया गया है कि उसकी कंपनी में कुछ दिक्कत हो गई तो जल्द से आए, इसीलिए लिली वहाँ से हेलो बोलते हुए निकलती है। जैसे ही फिंग दरवाज़ा खोलता है वो बस लिली को बैग से देखता है और वो देखता है कि उसने तो उसे देखा भी नहीं। और उसके बाद उसे उसको देखे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हो रहा होता है। और उसके बाद जो फिंग था उसे भी कॉल आया क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये सुनने के बाद फिंग को भी वहाँ से निकल लेना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिली भी वहीं पर गई हुई होती है और उसके बाद वहाँ पर एक बंदा का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लिली को चाकू के नोक पे ले लेता है। और उसके बाद वहाँ पर जो लिली थी उसे मारने की धमकी दे रहा था, सब लोग रोकने की ट्राई कर रहे थे। लिली उसके पैरों को कुचल देती है और उसके बाद लिली जब अपने गर्दन की तरफ हाथ लगा के हाथ को देखती है तो वहाँ पर खून आ रहा था। लिली को ब्लड से बहुत डर लगता था तो वो वहीं पर गिरने वाली थी। फेंग आके उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो बोलती है मुझे खून से डर लगता है मेरी हेल्प करो। उसे कुछ पास्ट वाला इंसिडेंट याद रहा था जब उसे दिखाई नहीं देता था और उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि ये वही लड़की है, लेकिन बाद में सोचता है मैं कुछ भी बकवास सोच रहा हूँ। और लिली तो बेहोश हो गई तो इस बात की वजह से लिली को ऐसे इलाज करवाया जाता है। लिली ऐसे याद करती है कुछ गलत, उसे ऐसा लग रहा था फेंग को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। इसी बात की वजह से वो ऐसे ज़ोर से उठती है और तभी होता ऐसा है कि फेंग उसका ऐसे वेट ही कर रहा था, दोनों का ऑलमोस्ट के सो ही गया था, काफ़ी प्यारा मोमेंट बन गया था। लिली को तो दिल की धड़कनें रुक गई थी, इवन फेंग भी बहुत ज़्यादा अजीब रिस्पॉन्ड कर रहा था क्योंकि ये चीज़ इसके साथ पहली बार हो रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक्सीडेंट के आने की वजह से फेंग को लिली को छुपाना पड़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक्सीडेंट तो चला गया और उसके बाद जो फेंग था उसे बोलता है तुम एक दो दिन में ठीक हो जाओगे, ज़्यादा गहरा चोट नहीं है और मैं नर्स को भिजवा दूंगा, बोल के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो भी बहुत नर्वस फील कर रहा था। जैसे फेंग वहाँ से चला गया लिली बोल रही थी हे भगवान मेरे कौन से पाप किए जो मुझे ये बंदा इस तरह से बार बार मिल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है, बोल के वो अपने किस्मत के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ऐसे चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं गाड़ी में जाने के बाद असिस्टेंट बोलता है बस आप फिक्र मत करो लिली ठीक हो जाएगी। ये सुनने का तो बोलता है कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट बोलता है मुझे पता है बस आप उसके बारे में नहीं सोच रहे लेकिन वो अच्छी लड़की है। ये सुनने के बाद वो याद करता है लिली के साथ वाला इंसिडेंट
बाद मतलब वो ऑलमोस्ट दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आ ही गए थे। तो होता है ऐसा है फिंग, अपने मन ही मन में सोचता है नहीं उसका तो हस्बैंड है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, ऐसा वो सोचता है। और वो मन ही मन में ये भी सोचता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ, भले ही वो लड़की अच्छी ना हो, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उसका जो असिस्टेंट था वो अपने बस की आंखों में लिली के लिए प्यार देख चुका था। सो अब देखते हैं जो फिंग था उससे उसकी दादी माँ कॉल करती है और वो बोलती है कल से लिली फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, जल्द से उसके घर पे जाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसका हाल चाल जानना है। ये सुनने के बाद फिंग अब दादी माँ की बात थोड़ी मना कर सकता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो लिली के घर के लिए निकल लेता है। और उसके बाद वो वहाँ पर वो कुछ खाने की चीज़ें लेके गया हुआ था, दरवाज़ा नॉक नॉक करता है, तो यहाँ पर लिली की बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड भी तो रहते थे साथ में। तो ऐसा होता है लिली की बेस्ट फ्रेंड ऐसे दरवाज़ा खोलती है तो वो उसे देखता है, उसे ऐसा फील हुआ ये लड़की उसकी वाइफ है। और उसके बाद वो बोलती है क्या कुछ काम था, मतलब वो तो उसे नहीं जानती थी ना, वो बस ये बोलता है दादी माँ ने दिया हुआ है ये रख लो। और तभी वहाँ पर आता है लिली की बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड और उसके वो उसको डांट रहा होता है कि तुम दिखने में तो अच्छे खासे दिख रहे हो, तो इससे छिछोर वाली हरकत क्यों कर रहे हो, मेरी बीबी के ऊपर बुरे नज़र लगाए हुए हो, ये शादीशुदा है, बोलकर दरवाज़ा उसके मुँह पर बंद करता है। और उसके बाद फिंग और ज़्यादा गला समझने लगा कि ये लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो फिंग था वो वहाँ से चला जाता है, लिली ऐसे वहाँ पर आ जाती है, वो सोचती है ये यहाँ पर कर क्या रहा है, तो थोड़ा दूर डिस्टेंस था इसी बात की वजह से फेंग मुझे नहीं देख पाता। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो फेंग था वो घर पे जाता है और हम ये देखते हैं लिली, लिली अंदर आती है और अपने दोस्त और उसके हस्बैंड को बोलते क्या चल रहा था। तभी जो लिली का जीजा जी था, मतलब उसके फ्रेंड का हस्बैंड, वो बोल रहा था पता नहीं दिखने में तो अच्छा खासा दिख रहा था लेकिन आजकल के लड़के इतने छिछोरे हो गए, मुझे पता नहीं था मैं भी एक लड़का हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा था जैसे कि उसकी बीबी हो, बोल के वो ऐसे जो फ्रेंड था उसकी हरकतों को बारे में बता रहा था। लिली हंसने लगती है, बस वो ये बोलते कि क्योंकि तुम्हारी बीबी बहुत अच्छी है ना, बहुत खूबसूरत दिखती है, इसीलिए हर कोई देखना चाहता है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है पर मुझे नहीं पसंद ना मेरी बीबी को कोई ऐसे देखे, बोल के वो मजे कर रहे होते हैं। और इसके बाद लिली को उसकी दोस्त बोलती है बाय द वे तुम्हारा हस्बैंड भी तो वापस आ गया है ना चाइना, तो अब क्या उसे नहीं मिलाने वाली या फिर गुड न्यूज़ होने के बाद मिलाओगे, बोल के उसे छेड़ रहे होते हैं। लिली बोलती है नहीं यार। और इसके बाद वो उसे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हें नहीं पहचानता। ये सुनने के बाद लिली बोलती है मुझे नहीं पता, ऐसे भी हमारी शादी तो बस ग्रैंडमा के लिए हुई थी तो अब मुझे नहीं पता हमारे रिश्ते का क्या होगा, ऐसा वो बोलती है। और यहाँ पर सब लोग मजे करने लगते हैं। फिंग घर पे जाता है और उसके बाद दादी माँ पूछती है लिली ने फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया, उनसे मिले। ये सुनने के बाद अब फिंग मन ही मन में ये सोचता है लिली के लिए तो दादी माँ के मन में बहुत अच्छा इमेज है, बहुत प्यार करती है, तो अब वो अपनी दादी माँ का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसी बात की वजह से फेंग बोलता है मैं उसे नहीं मिला। जो सुनने के बाद वो डांटने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी बीवी को ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, वो अच्छी लड़की है। तभी फेंग बोलता है दादी माँ मुझे एक बात बताओ उसका नाम क्या है, इस बंदे को तो अब तक अपनी बीवी का नाम भी नहीं पता, ऐसे भी अब दादी माँ के बस कहने पर ही शादी करेगा तो यही होगा ना। तो दादी माँ को बहुत गुस्सा आता है, वो डांट रही होती है, वो बोलती है तुम्हें अब तक अपनी बीवी का नाम नहीं पता, क्या इंसान हो तुम, और उसे बहुत सुना रही होती है। ये बोल रही थी कि अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो मुझे पूछना पड़ेगा और तुम अगर लिली को हट करोगे ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बोल के डांट रही होती है। और उसके बाद फेंग को इतना पता था कि लिली उसका निकने में नाम तो कोई और होगा, तो जो फेंग था ज़्यादा कुछ और पूछ नहीं पाता। उसके बाद वो अंदर रूम में जाता है और उसके बाद वो अपने किसी लॉयर को कॉल करके बोलता है डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करो, मुझे अपनी रिलेशनशिप में धोखा नहीं चाहिए, और वो लड़की ऐसे एक टाइम में दो लोगों को यूटिलाइज कर रही है तो मैं उसे डिवोर्स चाहता हूँ, ऐसा हो बोलता है। फेंग ठान चुका था कि अब उसे उसकी बेवफा बीवी से छुटकारा चाहिए, मतलब डिवोर्स चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है फेंग और लिली एक इवेंट के लिए होते हैं और उसके बाद फेंग को असिस्ट कर रही थी लिली और उसका प्लान सबको काफ़ी पसंद आता है। इवेंट ख़त्म होने वाला था और उस टाइम पे फेंग उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हारे काम से मैं काफ़ी इंप्रेसिव हूँ। और उसके बाद वो मन ही मन में सोच रहा होता है का सब लेट किया इसी तरह होती तो कितना अच्छा होता। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो लिली थी
वो ऐसे चल रही होती है, तभी एक बंदा आके उसको टकराता है, तो जिस बात की वजह से ड्रिंक उसके ऊपर गिर गया, तो फेंग उसे पकड़ने वाला था। दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, मतलब इन दोनों इतने अच्छे लगते हैं साथ में। तो होता ये है, पहले तो कोई तो उन दोनों का फ़ोटो खींचता है, और उसके बाद हम देखते हैं जो फेंग था वो लिली को अंदर कमरे में ले जाता है उसके कपड़े बदलवाने के लिए। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है लिली कपड़े तो बदल लेती है। लिली मन मन में ये भी सोच रही थी कि ये बंदा कितना अच्छा है, कितना वार्म है, कितना केयरिंग है, वो सोच रही थी इतना अच्छा हस्बैंड सबको मिले। और उसे तो पता है ना ये बंदा उसी का हस्बैंड है, वो सोच रहे थे अगर मैं उसे बताऊँगी कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बाद में सोचिए नहीं, मुझे आपने लिए इसके मन में ऐसा इमेज तो नहीं डालना, मुझे नहीं चाहिए इसका साथ, अगर ये मुझे सच्ची में प्यार करेगा तो ही मैं इसको सच बताऊंगी, ऐसा मन में सोच रही होती है। और उसके बाद वो कपड़े पहनती है लेकिन उनका जीप लग नहीं रहा होता है, इसीलिए वो फेंग के पास आती है और ऐसे बोलती है क्या तुम अपने कीमती हाथ मेरे जीप को बंद करने के लिए यूज़ करोगे। वो उसके पास जाता है और उसके बाद जब वो जीप लगाने वाला था तो उसके बैक पे एक निशान था, काफ़ी बुरा वाला निशान था। तो वो फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर किसी लड़की के साथ उसने नाइट स्पेंड की थी और उस टाइम पे वो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया था। और उसके बाद वो ऐसे सोचता है क्या है वही, और बाद में सोचता है नहीं इतनी बड़ी कोइंसिडेंट कैसे हो सकती है, ये बस एक इत्तेफाक है। और उसके बाद वो लिली को बोलता है मैं शादीशुदा हूँ। ये सुनने के बाद लिली बोलती है कि तू मैं क्या करूँ। तो फेंग बोलता है अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा सोच रहे हो ना तो सोचना बंद करो। ये सुनने के बाद लिली को तो हंसी आ रही होती है, वो मन ही मन में सोचती है ओ इसे अब पता चला है शादीशुदा है, लेकिन अब तक इसे यह नहीं पता कि इसकी बीवी कौन है। और इसके बाद लिली बोलती कि ऐसे मिस्टर फेंग आपको बताना भूल गए मैं भी शादीशुदा हूँ और मुझे अभी अब भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। और ये सुनने के बाद फेंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, और तभी कोई तो दरवाज़ा पिटता है और बाहर डिनर के लिए बुलाया जा रहा होता है। अब ये लोग बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद सब लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं, लिली को तो बहुत ज़्यादा अजीब तरह से देखे जा रहे होते हैं। बाद में पता चला दोनों एक दूसरे के करीब थे, वो वाला मोमेंट किसी ने तो इन सारे मीडिया में वायरल करवा दिया था। और उसके बाद उसकी सिस्टर उसके पास आती है और बोलती है तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना इतनी बड़ी पार्टी में, अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही हो। ये सुनने के बाद लिली बोलते तुम्हें क्या बोल रहे हो। तभी उसकी बहन बोलती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन को सजेस कर रहे हो, उसके करीब होने की ट्राई कर रहे हो पैसों के लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था। लिली को बहुत गुस्सा आया, वो अपनी बहन को ज़ोर से तमाचा लगाती है और बोलती है कुछ भी बोलती हो ना उससे पहले सोच के बोला करो, मुझे बर्दाश्त नहीं कोई भी बकवास, और तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तभी वो ऐसे बोलती है तुम ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन मैं तो तुम्हें सही राह दिखा रही थी, तुम मिस्टर फेंग को सजेस कर रही थी। और ये सच बोल के वो ऐसे रोने लग जाती, सब लोग वहाँ पर आते हैं, सब लोग को ऐसा फील हुआ लिली अब ड्रामा कर रही थी। और उसके बाद लिली को सब लोग बुली करने लग जाते हैं और उसके बाद वो गिर गई। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है फेंग आके उसे उठाता है, लिली बोलते हैं मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं और ऐसे वही अच्छे लोगों के साथ मुझे नहीं देखना। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लिली का काफ़ी मूड ख़राब हो रहा होता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है लिली के पास फेंग आता है, उसे ऐसे कोट पहना देता है और उसे बोलता है आई एम सॉरी आज जो भी हो उसके लिए। वो सुनने के बाद उसे बोलती है छोड़ो ना ये सब कुछ तो मुझे आदत है, उसकी आदत है बचपन से मुझसे इतना नफरत करती है कि मुझे बस हराना जानती है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि बचपन से, तभी लिली बोलती है हाँ मैं अपने स्टेप सिस्टर की बात कर रही हूँ, उसे बस पसंद है मुझे परेशान करना, छोड़ो मुझे सब कुछ इतना नहीं सोचना। और तभी लिली को किसी का कल आया जिस बात की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है, और फेंग को भी ये पता चला दादी माँ बीमार है इसीलिए वो वहाँ से घर की तरफ निकल लेता है। बाद में पता चला जो हमारी लिली है वो भी दादी माँ को मिलने के लिए गई हुई होती है, दादी माँ को हार्ट अटैक आया हुआ था, दादी माँ अभी लिली से बात करने लगती है। और उसके बाद लिली ग्रैंड माँ को सॉरी बोल रही होती है दादी माँ को क्योंकि वो अब तक अपने हबी से मतलब अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई ही नहीं थी, लेकिन दादी माँ चाहती थी कि अब जल्द से जल्द इन दोनों को साथ में देखना मिले, देखने का मौका मिले और बच्चा मिले, लेकिन यहाँ पर बच्चा तो मिल नहीं रहा था। और उसके बाद लिली वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फेंग आ गया घर पे, और उसके बाद वो सोचता है वो कौन थी क्योंकि उसने थोड़ा दूर से देखा था लिली को। और हम अब अगले वाले सीन में देखते हैं
लिली एक ऑक्शन के लिए गई हुई होती है और यहाँ पर उसके सिस्टर भी थी, तो वो उसे कम्पीट कर रही थी उस सामान को खरीदवाने के लिए। और यहाँ पर होता ये है कि जो लिली थी वो फिंग की मदद से वो चीज़ हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाती है, और उसके बाद फिंग को भी उसकी मदद करके अच्छा लग रहा होता है। और हम देखते हैं बाहर जाने के बाद लिली को कोई लोग आके परेशान करने लगते हैं। दरअसल उसकी सिस्टर ने उन लोगों को भेजा हुआ था उसको परेशान करने के लिए, तो यहाँ पर फिंग आके उसकी मदद करता है। लेकिन हाँ, फेंग भी घायल हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं जो फेंग था वो उसको इसका इलाज चलता है, और लिली भी वहीं पर थी और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लिली फेंग को सॉरी बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से इतना बड़ा सियापा हो गया। और उसके बाद फेंग उसे बोलता है कोई बात नहीं। और उसके बाद लिली मन ही मन में सोचती है इसने आज मुझे बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाई, इससे बेस्ट बंदा मुझे कहाँ मिलेगा, मैं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा हैंडसम और इतना केयरिंग हस्बैंड पाके, ऐसा मन ही मन में सोच के डांस कर रही थी। बाद में उसे याद आया अब तक साहबजादी ने तो ये बताया नहीं कि ये उसकी बीबी है, तो काहे का खुश होना। तो वो सोचती है चलो लाइन पे आओ लाइन पे। और उसके बाद फिर इनके पास आती है और उसे थैंक यू बोलती है। वो उसे बोलता है कोई बात नहीं। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि आपने बोला था आप शादी शुदा हो, तो आप क्यों अब करती क्या है। ये सुनने के बाद उसे याद आता है जो उसने देखा हुआ था, मतलब सुना हुआ था, तो उसको काफ़ी गुस्सा आया। वो बोलता है कुछ ऐसे चीज़ करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लिली सोचती है इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या बोल रहा है। और तभी जो लिली थी उसको फेंग बोलता है तुम क्यों पूछ रहे। तभी लिली बोलती है नहीं आपने बोला था आप शादी शुदा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपकी वाइफ बहुत अच्छी होगी क्योंकि आप जैसे इंसान की वाइफ नॉर्मल थोड़ी हो सकती है। फेंग बोलता है वो इतना कुछ डिजर्व नहीं करती। जो सुनने के बाद लिली को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो सोचती है बड़ा आया मुझे सब कुछ कहने वाला। और इसके बाद फेंग लिली को बोलता है तुम्हें सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी लिली वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दादी माँ, दादी माँ ये सब कुछ देख के काफ़ी खुश हो रही होती है। और उसके बाद वो वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है, फेंग की सिस्टर। और उसके बाद उसे पता चला उसका भाई बीमार है, तो इसलिए उस बोल रही थी मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। दादी माँ बोलती है कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी भाभी आ चुकी है और भाभी सब कुछ संभाल लेंगी बोल के वो उसे वहीं पर रुकने के लिए बोल रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं लिली ऐसे लिली नहीं थी उस टाइम पे, दादी माँ जाती है हॉस्पिटल पे और वो फेंग से मिलती है। फेंग को बोलती है तुम यहाँ पर क्यों, ऐसे वो ड्रामा कर रही होती कि जैसे कि उन्हें पता ही नहीं। फेंग बोलता है मैं ठीक हूँ दादी माँ। और उसके बाद वो बोलता है दादी माँ मुझे रिपोर्ट चाहिए। ऐसे सुनने के बाद जो फेंग था उसको दादी माँ ऐसे देखती है, बोलते कि तो क्या रीज़न है। सुनने के बाद दादी माँ बोलती है मुझे बस रिपोर्ट चाहिए। और तभी फेंग जो था वो उसको दादी माँ एक फ़ोटो दिखाती है जहाँ पर लिली उसकी गोदी में थी। वो बोलती है क्या इसकी वजह से, एक्चुअली दादी माँ थोड़ा सा यहाँ पर गेम खेलना चाहती थी। और वो उसे बोलता है ये तो अच्छी लड़की है, इसको सब कुछ अच्छा लगता है और ये बहुत सही लड़की है, इतनी अच्छी लड़की किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद दादी माँ मन ही मन में सोचती है ये देखो मेरा पोता अकल का अंधा, इसे अब तक नहीं पता कि इसकी बीबी कौन है। और उसके बाद जो लिली थी उसका नाम तो और लेती नहीं है। और वो बोलती है एक बात बताओ क्या तुम सच्ची में अपनी बीबी को मिले बगैर डिवोर्स करने वाले हो। ये सुनने के बाद फेंग बोलता है हाँ। और ये सुनने के बाद दादी माँ बोलती है खैर छोड़ो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हारी खुशी इसके साथ है तो मैं होती कौन हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली, बोलती है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है। दादी माँ बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो रही थी क्योंकि उन्हें पता था उनका पोता क्या कर रहा है। वो सोचती है मेरा पोता मुझ पर गया है ऐसा तो मैं बोल भी सकती, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। लेकिन खैर छोड़ो ना, पहले ही उससे डिवोर्स करे लेकिन उसी को फिर से बीवी बना के लाएगा तो मैं तो बहुत खुश होंगी, सोच के वो ऐसे डांस करने लग जाती है। एक बहुत बड़ा पार्टी चल रहा होता है, लिली यहाँ पर बहुत बुरी तरह से नशे में आ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो लिली थी उसको इतना सा नशे में देखने के बाद फेंग उसे रूम में ले जाता है उसे सुलाने के लिए। लेकिन नशा आप जाती कुछ ज़्यादा ही अभी नशे में थी, वो उसे बोल रही थी क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती। और उसके बाद उसे किस करने लगती है और ये देखे तो फेंग शॉक में, पहले तो वो बोलता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। ये सुनने के बाद जो लिली थी वो बोलती है तुम तो जो भी हो लेकिन बहुत हैंडसम हो। और उसके बाद उसे ऑलमोस्ट किस कर ही लेता, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है नहीं मुझे ये नहीं करना, गलती एक बार होती है दोबारा नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है लिली को वहीं पर सुला के। और उसके बाद सुबह वाला सीन जहाँ पर लिली
अपनी आंखें खोलती है और उसे याद आता है कल क्या हुआ था। वो बहुत एम्बैरस होती है, वो सोचती है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है अच्छे दिखने वाले लोग, और ये मेरा हस्बैंड मुझे मरवाएगा किसी दिन। और उसके बाद वो जैसे तैसे वहाँ से भागने वाली थी, उसके बाद फेंग उसे रोक लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फेंग था वो ऐसे उसे रोकता है, लेकिन लिली बोलती है मुझे बहुत ज़ोर से सुस्तू आई है, मैं चली जाती हूँ घर पे, वो बोल के वहाँ से भाग लेती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फेंग था वो हंसने लगता है, तो लिली के बाद में पता चला दादी माँ जो थी वो बीमार है, इसलिए वो भाग के हॉस्पिटल की तरफ जाती है। हॉस्पिटल पर वो देखती है दादी माँ की हालत थोड़ी ख़राब थी, और यहाँ पर दादी माँ उसे बोलती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वो बोलती है क्या, तभी दादी माँ बोलती है कि अब तक तुम्हारे पति को पता ही नहीं तुम कौन हो, तो इसीलिए इससे रखने में मदद करना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फेंग था जब वहाँ पर आता है, तो लिली वहाँ से ऐसे वॉशरूम को भाग गई थी, और बाद में वो वापस आती है दादी माँ का देखभाल करने के लिए। तो इस बार भी ये अपनी बीवी से नहीं मिल पाता। अगले सीन में दिखाया जाता है फेंग दादी माँ के ज़बरदस्ती कहने की वजह से वहाँ पर वो अपनी बीवी से मिलने के लिए गया हुआ था, बीवी मतलब जो लिली थी उसके घर पे। लेकिन यहाँ पर अब उसके हिसाब से तो बीबी उसकी जो फ्रेंड वो थी, तो यहाँ पर होता ऐसा है कि वो जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका हस्बैंड लिली का जो फ्रेंड था अपनी वाइफ को टीयर कर रहा था, ये देखे तो वो तो शॉक में आता है। और उसके बाद हम देखते ही अगले वाले सीन में जो फ्रेंड था अपने बंदे को वहाँ पर भेजता है, असल में कुछ जानना चाहता था। तो यहाँ पर होता ऐसा है जिस टाइम पर वहाँ पर उसका असिस्टेंट जाता है लिली के ढूंढते हुए, मतलब फेंग की बीवी को, लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता है अभी वो लोग बाहर हैं, तो इसी बात की वजह से वो नहीं मिल पाता। और लिली को जब पता चला उसकी फ्रेंड प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब ये फैमिली बढ़ने वाली थी, तो लिली कोई और जगह पर शिफ्ट होने का प्लान करा रही होती। अगले दिन में दिखाया जाता है फेंग एक अपार्टमेंट स्टोर पे गया हुआ होता है, तभी वहाँ पर देखता है जिस बंदे को वो बीबी समझ रहा था वो उसकी बीबी नहीं है, क्योंकि वो उसको किसी और नाम से बुला रहा था। और उसके बाद में जब उसका बिल पे किया हुआ पेपर देखता है, तो उसमें नाम कुछ और था, उसे ये आइडिया हो गया ये कोई और लड़की है। और उसके बाद हम देखते हैं वो मन बना चुका था, उसे रिवोर्स चाहिए भले कोई भी हो, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं वो लिली को लाइक करने लगा था। लिली उसके पास आती है और उसके बाद उसे चेयरअप करने की ट्राई करती है, और हमें बातें चला कुछ सालों पहले भूकंप आया हुआ था, इस टाइम पे जो फेंग था उसी ने लिली की जान बचाई हुई थी, शायद इसी बात की वजह से वो अंधा भी हुआ था, इसीलिए वो वही वाला मोमेंट का जो भी गाना उसने गाया था वही वो गाती है, उसे खुश करने की ट्राई करती है। फेंग मनी मन में सोचता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अब मुझे नहीं पता इस बात को मैं कैसे बताऊँ। और उसके बाद हम देखते हैं फेंग अपने असिस्टेंट को भेजता है, और उसके बाद वो बोलता है उसके साथ मुझे रिवोर्स करना है, 3 साल तक जो भी है उसके लिए माफ़ी मांग लेना, और उसके बाद जितना पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, ऐसा वो बोलता है। और बाद में हमें पता चला जो फेंग था उसने इन्वेस्टिगेशन करवाया था, तो उसे ये लगा कि शायद उसकी बीबी लिली की बहन है, मतलब अब शॉर्ट नेम सेम था, तो अब ये बंदा नाम से कन्फ्यूज हुआ था, तो सरनेम पर उसे बीबी मान लेता है, तो वो लिली की बहन के पास आता है। और उसके बाद वो बोलता है 3 साल तक जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, बोल के वो अच्छा खासा अमाउंट भी ऑफर करता है। अब इस लड़की को ऐसा था कि अब क्या ही फर्क पड़ता था, उसे बस लिली की लाइफ तबाह करनी थी, तो उसे तो ये अच्छा खासा मौका मिला लिली की लाइफ को तबाह करने के लिए, इसीलिए वो चुपचाप बोलते हैं हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद वो पैसे ले लेती है। और उसके बाद वो डिवोर्स पेपर साइन करके फेंग तो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो लिली की बहन थी वो अपनी माँ को कॉल करके बोलती है हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व जाएंगे, हमें पैसा मिल गया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली को कॉल आया, और वो बोल रहा होता है मैं फेंग का लॉयर हूँ और डिवोर्स पेपर साइन तो हो चुका है, तो आप वो सबमिट करवाने के लिए सिविल ब्यूरो ऑफिस पे आओ। तो सुनने के बाद लिली बोलती है क्या क्या बकवास कर रहे हो, मुझे लगता है कोई गलत नंबर होगा, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में तो सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये सुन के तो जो फेंग था उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अभी तो पैसे लेके गई थी, उसे ऐसा लगा ये बंदा गया, मतलब इसने फिर से गेम खेले, और वो ऐसे सिविल ब्यूरो ऑफिस में आने के लिए तो मना कर देती है। तो हम देखते हैं लिली को नेक्स्ट डे सिविल ब्यूरो ऑफिस में बुलाया जाता है, उसे अब तक नहीं पता चल क्या रहा है। तो लिली जब सिविल ब्यूरो ऑफिस के आगे जा रहे होते हैं, तो तभी एक ओल्ड मैन होते हैं जो बीमार थे, तो उसके पास आती है, वो मदद करने की ट्राई करती है। वो ओल्ड मैन लिली को देखती है, तो उसके बाद वो कुछ याद कर रहे थे जो बचपन वाली लिली
और उसके बाद वो उसे बोलती है तुम मेरी पोती हो, और लिली को तो समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। और उसके बाद जो हमारी लिली थी उसको दादाजी को लेके वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल लेना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं अभी रिपोर्ट्स के लिए ये लोग आए हुए थे, तो लिली तो आती नहीं है। फिर डिवोर्स में वो साइन करके वहाँ से निकल चुका था, ऑफिशियली दोनों डिवोर्स हो चुके थे। तो हमें ये दिखाया जाता है लिली आई, और उसके बाद जो लिली थी उसको फ्रेंक कॉल करता है और वो बोलता है मुझे तुम्हें शाम को मिलना है, क्या हम यहाँ पे डिनर कर सकते हैं। लिली बोलती है नहीं सर, मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स कर रहा है तो मैं यहाँ पर हूँ और मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फ्रेंक उसे समझाने की ट्राई कर रहा था मुझे तुमसे मिलना है, लिली बोलती है नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे कोई काम नहीं करनी यार, मेरा रिश्ता टूट रहा है। और ये बंदा काम करवाने के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं किस बात चीज़ का बना हुआ है जो बेशर्मों की तरह मुझे छोड़ रहा है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, ऐसा सोच के ऐसे मन ही मन में उसे गालियाँ दे रही थी। सो गाइज यहीं पर मैं इस पार्ट को ख़त्म कर रही हूँ, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द एक और नए पार्ट के लिए मिलूँगी। तब तक के लिए अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।